हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 12वीं की इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण हल यहां पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 12वीं के सभी विषय के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लगभग सभी विषय के प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, लिंक के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डू एज डायरेक्टेड में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे ये जो डू एज डायरेक्टेड है क्लॉसेस के, इन्हें हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास डू एज डायरेक्टेड कुल 11 है। पहले इन 11 के आंसर देखते हैं हम। तो पहले आपको यहाँ से इनके ये क्वेश्चन नोट कर लेना है। ये 5 क्वेश्चन तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये छठे से लगा के 11वें प्रश्न तक यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे इसके, और उसके बाद हम इनके डू एज डायरेक्टेड के आंसर देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे आपको ये पहले 4 आंसर नज़र आ रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। उसके बाद आप ये 5वें से लगा के 8वें तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये 9, 10 और 11 के स्क्रीनशॉट यहाँ से आपके हो जाएंगे। तो ये आपके कुल जो 11 डू एज डायरेक्टेड थे पहले नंबर पे, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो डू एज डायरेक्टेड हैं, अब इनमें हमें क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग अ एडवर्बियल क्लॉसेस ऑफ रीजन या केस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, कुल कितने हैं यहाँ पे 8 डू एज डायरेक्टेड है। तो पहले आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए 8ों का। तो पहले ये 4 यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसके बाद ये अगले 4। अब इनके ये जो आंसर है वो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आंसर में भी आपको यहाँ से सबसे पहले तो ये जो आपको 3 आंसर यहाँ से नज़र आ रहे होंगे इनके स्क्रीनशॉट ले लेना है पहले। उसके बाद हम चौथे प्रश्न से देखते हैं, ये चौथे पांचवे और छठा प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं। और इसके बाद यहां से ये 7वां प्रश्न का भी आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा और फिर इसके बाद ये लास्ट का जो बचा है एक क्वेश्चन और 8वां प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट यहां पे है। तो इस प्रकार से ये हमने आज यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड के 2 पोर्शन सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पे। अब इससे आगे के हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।